हम दर्शकों, हर हर महादेव, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, यदि आप अपने घर में इस दिशा में मोर पंख को लगाते हैं तो आपको इसके कई लाभ होंगे और आपके जीवन में खुशहालियाँ दस्तक देंगी। कई घरों में तो लोग मोर पंख का गुलगस्ता सजा कर रखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है मोर पंख किस दिशा में रखना अच्छा होता है? आज मैं आपको मोर पंख आप किस दिशा में रखें कि आपके घर में खुशहाली सदैव बनी रहे। मोर पंख एक ऐसे पक्षी का पंख है जिसे देखकर मन खुश हो जाता है। वहीं जब मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य करता है, दृश्य देखने लायक होता है। आपको मैं बता दूं कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। इसके पंख को लोग घर में रखना बहुत ही शुभ मानते हैं। कई घरों में तो लोग मोर पंख गुलगस्ते की सजाकर भी रखते हैं। किस दिशा में घर में अगर आप मोर पंख को रखते हैं तो आपके घर में उन्नति होगी। मोर पंख को घर की पूर्व दिशा में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप उत्तर पश्चिम दिशा में भी इसे रख सकते हैं। वहीं जिन लोगों की कुंडली में राहु दोष होता है, उन्हें उत्तर पश्चिम दिशा में मोर पंख अवश्य ही रखना चाहिए। इससे राहु का दोष कम होता है। जो लोग विद्यार्थी हैं, पढ़ाई करते हैं बच्चे, विद्यार्थी वर्ग को मोर पंख को अपनी किताब में या फिर अपने पढ़ाई वाले स्थान पर रखना चाहिए। इससे पढ़ाई में मन लगता है। वहीं लिविंग रूम में पूरब वाली दीवार पर मोर पंख सजाने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है। इससे घर में कलेश कभी नहीं होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा ऐसे घर में बनी रहती है। मोर पंख को बेडरूम में भी रखना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है और घर में खुशियों का आगमन होता है। वहीं मोर पंख रखने से वास्तु दोष भी दूर होता है। बस आपको आठ छोटे पंखों को एक साथ बांधकर घर के उत्तर पूर्व दिशा की दीवार पर लगा देना चाहिए। पंख के गुच्छे को ऐसी जगह पर रखें जहां पर सबकी नज़र पड़े। इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है। मोर पंख बहुत ही शुभ माना जाता है। मोर पंख जब हम माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं या दिवाली पर हम जब माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं तब भी हम मोर पंख का पूजन करते हैं। मोर पंख को बहुत ही पवित्र माना गया है और वास्तुशास्त्र में इसका बहुत अधिक महत्व बताया गया है। कि मोर पंख यदि हम अपने घर में रखते हैं तो हमारे घर में कभी भी पारिवारिक कलेश नहीं होता है और घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है। इसलिए आप भी मोर पंख को अपने घर आज ही ले आएं और उत्तर पूर्व दिशा में या फिर पूर्व दिशा में अपने घर में अवश्य ही रखें, जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का सदा के लिए निवास होगा और आपके घर में खुशियों का आगमन होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, आपको यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखकर मुझे अवश्य बताइएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। जय माँ लक्ष्मी।